हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 प्रोनाउंस। लेट्स लर्न प्रोनाउंस। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो रिप्लेस करता है नाउन को, नाउन की जगह पे आता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज अनिल, अनिल स्टडीज इन क्लास 4। दिस इज अनिल, ही स्टडीज इन क्लास 4। इन द सेकेंड सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग अनिल ट्वाइस, वी यूज द प्रोनाउन ही। लाइकवाइज, जैसे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अनिल दो बार यूज़ किया गया है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस के अंदर जो फुल स्टॉप के बाद वाला सेंटेंस है, उसके अंदर अनिल को निकाल दिया गया है, उसकी जगह पे ही लगा दिया है। तो ये क्या है, एक तरह से नाउन को हटा के प्रोनाउन डाल दिया है, मतलब ही। सो अ प्रोनाउन मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट चाइनीज फूड। यू आर मोर देन एन अवलेट। ही इज़ द स्टार ऑफ अवर स्कूल फुटबॉल टीम। शी विल सेंड मी हर न्यू एड्रेस। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ऑल दिस इज यू, ही, शी, इट, वी, दे आर प्रोनाउन। रन द पेज। प्रोनाउन में भी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज कॉल मी इन द इवनिंग। आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। शी विल टॉक टू हिम। वी मेट हर एट द शॉपिंग सेंटर। ऑल दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। ओके, लाइकवाइज पीछे हमने जो पढ़ा वो सब्जेक्ट था। ओके, ये ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। Let's learn personal pronouns. A personal pronoun stands for a personal or an object. Let's learn personal pronoun. Personal pronoun stands होता है या तो कोई person के ऊपर या फिर कोई object के ऊपर। ओके, या तो कोई object होता है वो या फिर कोई person होता है, तो उसे हम बोलेंगे personal pronoun. Examples of personal pronouns are I, you, he, she, it, we, you, they. When a pronoun is a subject. So all this is personal pronouns. When talking about males, we use he or him. When talking about females, we use she or her. When talking about a group of people, we use they or them. Right? Look at the sentences below. The highlighted words are personal pronouns. This is Shruti. She is my cousin. Could you please help her? Okay, like this, all this is example of personal pronouns. Open sesame. Personal pronouns, just like nouns, have two numbers, singular and plural. Personal pronouns has also nouns. Okay, इसमें singular और plural भी होता है. Persons, singular and plural. First person, subjects, I, objects, me. Plural में subjects we and objects में us. सेकेंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट्स यू, सब्जेक्ट्स यू एंड ऑब्जेक्ट्स यू, ऑल दिस इज यू। सेकेंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हिम, हर, इट, सब्जेक्ट्स दे, ऑब्जेक्ट्स देम। ओके, ये सब सारे सेंटेंसेस हम सेंटेंसेस बनाने के अंदर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, सेकेंड पर्सन जो सामने वाला होता है, जो थर्ड पर्सन, ओके, जो अलग से होता है, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एक तरह से थर्ड पार्टी, राइट। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे होते हैं, राइट। ओके, टर्न द पेज। टाइम वन, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, यहाँ पे हमें पर्सनल प्रोनाउंस को ऐड करना है, जैसे कि आई एम श्वेता, दिस इज माई ब्रदर अमित, वी लिव इन शिलोंग। ओके, ऑल दिस इज पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, यू हैव टू कंप्लीट इट। लेट्स लर्न पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस शो पोसेशन और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। पोसेशन, पोसेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसके अंदर खुद अपने अंदर पोसेशन होता है, मीन्स अपने अंदर ही कुछ मतलब होता है, जैसे कि दे आर योर्स, माइन, देयर्स, आवर्स, हर्स एंड हिज। इट डज नॉट हैव एनी पोसेसिव फॉर्म। ओके, हम एग्जांपल लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा।
लुक एट द सेंटेंसेज बिलो द हाईलाइटेड वर्ड्स आर पोसेसिव प्रोनाउंस, दिस पेंसिल इज माइन. ओके, तो ये अपने अंदर ही खुद का पोसेशन होता है. कोई भी चीज़ होती है ये खुद की होती है या फिर खुद के बारे में वो बोल रहा होता है सेंटेंस. जैसे कि दिस पेंसिल इज माइन, ये पेंसिल मेरी है ना. इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो खुद की पेन बता रहा है यहाँ पे. आर दिस बुक्स योर्स, क्या ये बुक तुम्हारी है. दिस कार इज आवर्स, ये कार हमारी है. राइट, पोसेशन मतलब खुद का होना. राइट, अपने अंदर खुद का. Likewise, all this is examples of possessive pronouns. Open system. First person, second person and third person. Like this, personal pronouns I, we. Second person, you. Third person, he, she, it, they. Possessive pronouns mine, ours. Second person, yours. Third person, his, hers, theirs. Okay? फर्स्ट पर्सन अगर वो बोल रहा है कि ये मेरा है तो वो क्या बोलेगा, अपना खुद का होगा तो माइन बोलेगा या अवर्स बोलेगा. सेकंड पर्सन को अगर वो बोलना चाह रहा है तो वो ये बोलेगा योर्स. और अगर थर्ड पर्सन को जो है ही नहीं या फिर अलग है, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई पर्सन है, तो बोलेगा वो हिस, हर्स या देयर्स. प्रैक्टिस टाइम टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पोसेसिव प्रोनाउंस. ओके, तो ये सारे पोसेसिव प्रोनाउंस आपको यहाँ पे ऐड करने हैं. टर्न द पेज. Let's learn demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to identify nouns that may be far or near. Demonstrative pronouns वो use होते हैं जब use होते हैं जब हमें noun को identify करना हो, जब हमें noun को ढूंढना हो, तो demonstrative pronouns use होते हैं. Sentence होता है, there are only four demonstrative pronouns, this, that, this and those. चार ही demonstrative pronouns है, जैसे कि this, that, this and those. Look at the sentences below. The highlighted words are demonstrative pronouns. This is my bag. That is a lion. These are crabs. Those are birds. We use this and this plural as pronouns to talk about people or things near us. For example, हम this और this का example use करते हैं जब हमारे आसपास कोई लोग होते हैं या कोई चीज़ होती है हमारे आसपास. Okay? जैसे कि this is a lovely picture. ये बहुत ही अच्छी picture है. Whose books are these? ये books किसकी है ना. सामने होती है कोई चीज़ तो हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. तो सिंगुलर में this सिंगुलर होगा तो this यूज़ होगा, एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल यूज़ होगा, this होगा, THESE यूज़ होगा. These are my friends Bella and Bunty. Okay, we use that and those to talk about things that are far from us. That and those, जब हम use करते हैं जब कोई चीज़ हमारे से दूर होती है. Right? For example, that is the pole star in the eastern sky. वो एक pole star है जो eastern sky के अंदर है. Those were delicious chocolates. वो बहुत ही delicious chocolates थी, है ना. वो मतलब वो लोग ने उनके सामने नहीं है, वो चीज़ हो गई है. Right? या वो चीज़ उनके सामने नहीं है. Let's start practice time 3. Okay, all this is demonstrative pronouns you have to add. Next, let's learn interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used for asking questions. Asking हमें किसी भी person को question पूछना हो तो हम कौन सा pronoun use करेंगे, interrogative pronouns. जैसे कि we use who and whom to ask questions about people. We use whose to ask about possession. हम who और whom कब जब use करेंगे, जब हमें किसी लोगों के बारे में बोलना होगा. और हम अगर किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें हुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे कि हुज दिस इज पेन, हुज हैव दिस पेन, ये पेन किसकी है. राइट, वी यूज़ हु एंड हुम टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पीपल. हम लोगों के बारे में अगर हमें कुछ पूछना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, वो और हुम का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट ऑन द पेज. All this is an example of interrogative pronouns. Practice time 4 में interrogative pronouns. Okay, like this you have to read one time. Okay, let's learn relative pronouns. Relative pronouns join two sentences and refer to the nouns. Relative pronouns वो sentences होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं. Right, relative क्या करते हैं, दो sentence को जोड़ते हैं या फिर बीच में होते हैं. They are who, whom, whose, which and that. Look at the sentences below. The highlighted words are relative pronouns. My cousin who lives in New Zealand is visiting me this year. है ना, मेरा जो cousin है जो कि New Zealand में रहता है वो इस साल हमारे summer के अंदर आ रहा है. तो बीच में आ गया. राइट, रिलेटिव प्रोनाउंस इसको बोलते हैं जो बीच वाले वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं. ओके, लाइक दिस यू हैव टू रीड वन टाइम. ओके, ऑल दिस. नाउ कम टू नेक्स्ट टर्न द पेज.
this time 5 relative pronouns hai, okay? All this is we have to write. Let's learn reflexive pronouns. A reflexive pronoun is used when the object of a sentence is the same as its subject. Okay, reflexive pronouns वो pronouns होते हैं जिसको हम कहाँ पे use करते हैं, जहाँ पे object and subject same ही होते हैं, right? They include myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Okay, all this is reflexive pronouns. Turn the page. Look at the sentences below. The highlighted words are reflexive pronouns. She looked at herself in the mirror. उसने अपने आप को मिरर में देखा. I burned myself while I was cooking. जब मैं पका खाना बना रही थी तो मैंने अपने आप को burn कर दिया, मतलब जला दिया. They blamed themselves for the mistake. वो अपने आप को ही blame दे रहे हैं अपनी mistake के लिए. Right? All this is reflexive pronouns. Okay, open system, all this is reflexive and personal. Next, practice 10-6. Okay, here you have to write all these reflexive pronouns, add, okay, from the blanks. Next, let's learn indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used to refer to people or things in general. Indefinite pronouns jab use hote hain jab hame kisi person ya cheez ko batana ho, right? The pronouns ending in body of one refer to people. Body of one जब भी use होंगे तो हम क्या करेंगे, किसको refer कर रहे होंगे, हम लोगों को refer कर रहे होंगे, मतलब वहाँ पर हमें हम लोगों की बात चल रही होगी. लेकिन the pronouns ending in thing refer to things. अगर चीज़ों की बात हो रही होगी तो ending में क्या होगा, thing होगा. और person की बात हो रही होगी तो body या फिर one. Some common indefinite pronouns are anyone, someone, none, everything, all, some, many and few. These pronouns are treated as singular. All this is indefinite pronouns. Look at the sentences below. Next on the page. Let's take example. Everybody enjoyed the party. सबने party को enjoy किया, right? Buddy आ गया, like. तो buddy का मतलब तो होता person है ना. तो यहाँ पे हमने देखा buddy मतलब people, लोग. तो यहाँ पे लोगों का लोगों को बताने के लिए यहाँ पे हमें एवरीबडी यूज़ करना पड़ेगा. एवरीथिंग, समवन एंड एनीबडी. ओके, हियर प्रैक्टिस 10-7. दिस इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. ओके, सेंटेंसेस यू हैव टू अंडरलाइन इट. सो द चैप्टर इज फिनिश्ड.